नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य से चौथा अध्याय तुलसीदास का अध्ययन हम आज करेंगे। तुलसीदास जी के जिन पदों को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है उनमें सर्वप्रथम उनकी प्रसिद्ध रचना गीतावली से कुछ पद लिए गए हैं। पाठ्यपुस्तक में गीतावली से बालकांड से पहला पद पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं। पहला पद आंगन फिरत गुटुरनी धाय, गीतावली के बालकांड में राम के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया गया है, उसी से संबंधित ये पहला पद है। आंगन फिरत गुटुरनि धाय नील जलद तनुश्याम राम शिशु जननी निरखी मुख निकट बोलाए बंधुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनी आए नुपुर जनु मुनिवर कलहंसनी रचे नीड दे बाह बसाए कटी मेखल बरहार ग्रीवदर रुचिर बाह भूषण पहिराए उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख हेम मध्य मणिगण बहुलाए। प्रस्तुत अवतरण या यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना गीतावली के प्रथम अध्याय बालकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम के बाल रूप का वर्णन किया है। तुलसीदास जी राम के बाल रूप का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं आंगन फिरत घुटुरनी धाय। घुटुरनी यानी घुटनों से, बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, तो यहाँ बालक राम जो हैं वो आंगन में फिर रहे हैं, धाय यानी दौड़ रहे हैं, घुटुरनी यानी घुटनों के बल, यानी अभी घुटनों के बल चलते हैं तो आंगन में घुटनों के बल ही दौड़ते फिर रहे हैं। नील जलद यानि नीला बादल, तनु श्याम, तनु यानि शरीर, श्याम यानि काला, राम शिशु, राम जो शिशु हैं या बालक हैं, जननी यानि माता, राम की माता कौशल्या, निरखी यानि देखा, मुख निकट बोलाए, मुख के निकट बुला लिया। तो इसका अर्थ होगा नील जलद नहीं है, ये जलज हैं। जलज यानी कमल के समान उनका शरीर है। नील जलज तनु श्याम, यहाँ जलद लिखा हुआ है पर ये जलज हैं। जलज यानी कमल, नीले कमल के समान उनका शरीर है बालक राम का। राम शिशु यानी बालक, राम का शरीर जो है वह नीले कमल के समान है, बहुत सुंदर हैं। जननी निरखी, जिसे उनकी माता कौशल्या ने देखा और मुख निकट बोलाए, उसे अपने मुख के पास बुला लिया। आगे हैं बंधुक सुमन अरु पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनी आए। बंधुक सुमन दुपहरिया के फूल के समान अरुण ने लाल पद पंकज यानी उनके चरण कमल, बालक राम के जो चरण कमल हैं वह बंदूक सुमन के समान है, यानी दोपहरिया के पुष्प के समान लाल हैं और अंकुश प्रमुख चिन्ह बनिया है, और उनके पैरों पर अंकुश का जो प्रमुख चिन्ह है वह बना हुआ है। आगे हैं नुपुर जनु, जनु यानी मानो,
तो यहाँ संभावना है जनु में, इसलिए इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार हैं, जहाँ मनु जनु मनहु जनहु जानो मानो इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। नुपुर यानि बालक राम ने नुपुर धारण कर रखे हैं, घुंघरू बांध रखे हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं मानो मुनिवर कलहंसनी रचे नीड़ दे बाह बसाए। मुनिवर श्रेष्ठ मुनियों ने कलहंसनी हंसों को हंसों के लिए रचे यानि रच रखा है, बना रखा है, नीड़ यानि घोंसले, दे बाह बसाए अपनी दोनों बाहों से, तो उनके नुपुर ऐसे लग रहे हैं कि मानो मुनियों ने हंसों के लिए अपने हाथों से घोंसले बनाए हो। आगे है कटी मेखल, बालक कृष्ण ने कटी कमर में मेखला धारण कर रखी। बर हार ग्रीवधर, गर्दन में हार सुशोभित हैं, और रुचिर रुचिर ने सुंदर बाह भूषण, बाह में आभूषण पहराया ने पहने हुए। बालक कृष्ण ने अपनी भुजाओं में सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख, हेम मध्य मणिगण बहुला। और उर यानि हृदय पर यानि वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह वैसे विष्णु के शरीर पर बने हुए हैं लेकिन राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए यही चिन्ह राम के शरीर पर भी तुलसीदास ने दिखाया है। वक्ष स्थल पर बालक राम के श्री वत्स का चिन्ह बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। हरि नख, शेर के नाखून उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, और हरि नख शेर के सुंदर नाखून है। हेम मध्य, हेम यानि स्वर्ण, मध्य यानि बीच में, मणिगण यानि मणियों का समूह बहुला है। सोने में बहुत सारी मणियाँ जड़ी हुई हैं, और ये सब धारण कर रखा है बालक राम ने। इसके आगे हैं सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका श्रवण कपोल मोहि अतिभाए भ्रू सुंदर करुणा रस पूर्ण और लोचन मन हूँ जगल जुगल जल जाए। तो राम के बालक राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे तुलसीदास कह रहे हैं सुभग यानि सुंदर, चिबुक यानि ठोड़ी, उनकी ठोड़ी सुंदर हैं, द्विज यानि दांत, अधर यानि होंठ, नासिका श्रवण, श्रवण यानि कान, कपोल उनके गाल, मोहि अति भाए मुझे अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं या मन को भाने वाले हैं, यानि उनके सारे के सारे जो अंग हैं वह मन को भाते हैं। भ्रू यानि उनकी बौहें सुंदर हैं, करुणा रस पूर्ण हैं, करुणा रस से पूर्ण हैं। लोचन उनके नेत्र, मनहु मानो, फिर मनहु आ गया, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि यह माना गया है, संभावना व्यक्त की गई है। उनके नेत्र ऐसे हैं मानो जुगल, जुगल यानि दो, जल जाए यानि कमल, उनके नेत्र दो कमलों के जैसे, मानो दो कमल हों, तो इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाल विशाल, उनका जो भाल है, मस्तक है, वो विशाल है। ललित लटकन बर, और उन पर उनकी लटकन, उनकी बालों की लटें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उनके जो विशाल भाल हैं, मस्तक हैं, उस पर जो बालों की लटें लटकी हुई हैं वह बहुत ही सुंदर हैं। बाल दशा, और उनकी बाल्यावस्था जो हैं के चिकुर, चिकुर यानि बाल, केश, उनके बाल्यावस्था के जो केश हैं जो उनके मुख पर लटक रहे हैं बहुत ही सोहाय यानि सुंदर लग रहे हैं। मनु मानो, फिर मनु शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उनके चेहरे पर या उनके मस्तक पर जो उनके चिकुर, उनके बाल, उनकी लटकने लटक रही हैं वे ऐसी लग रही हैं मानो, मनु मानो दो गुर सनी कुछ आगे करी
ससी ही मिलन ससी ही मिलन तमके गन आए, ऐसी लग रही हैं मानो गुरु यानी गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह, शनि शनि ग्रह, कुछ कुछ कहते हैं मंगल ग्रह को, आगे कर यानी आगे करके, ससी ही यानी चंद्रमा को, मिलन यानी मिलने के लिए, तम के तम यानी अंधेरा अंधकार के, गण गण यानी समूह, आ यानी आ गए। बाले बाल बालक राम के विशाल मस्तक पर जो उनकी लटकने लटकी हुई हैं, उनके चिकुर हैं काले केश, ऐसे लग रहे हैं कि मानो बृहस्पति और शनि ग्रह ने कुज को यानी मंगल को आगे करके, आगे करे आगे करके, ससी ही यानि चंद्रमा को, मिलन यानि मिलने के लिए, तम के गण यानि अंधकार के समूह, तम तम यानि अंधेरा के गण यानि समूह, अंधेरे के समूह ही उन चंद्रमा से मिलने के लिए आ गए हों, चंद्रमा उनके चेहरे के लिए आया। राम का मुख चंद्रमा जैसा चमकदार और उनके बादल उनके जो केश हैं वो तम के समान अंधेरे के समान बताया गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा से मिलने के लिए अंधेरे का समूह आ गया हो। आगे तुलसीदास कह रहे हैं कि उपमा एक अभूत भई, तब जब जननी पीत पट ओढ़ाए, जब माता ने यानी यशोदा ने उनको पीले वस्त्र ओढ़ाए, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले, जब उनको पीले वस्त्र ओढ़ाए, तब एक अद्भुत अभूत यानी अभूतपूर्व उपमा सूझी, तब तुलसीदास को एक अभूतपूर्व उपमा सूझी। क्या उपमा सूझी? नील जलद पर उड़ुगन निरखत, तजी स्वभाव मनो तड़ित छपाए, ऐसा लगा उनको ऐसी उपमा सूझी कि जैसे तुलसीदास कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे नील जलत पर उड़गन, नीले बादलों पर उड़गन, उड़गन यानी तारे, निरखत यानी देखना, तजी यानी छोड़ना, स्वभाव मनो मानो तड़ित, तड़ित यानी बिजली, छपाई यानी छप गई हो, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नीले बादल पर नील जलद पर उड़गन निरखत तजी, मानो नीले बादल पर तारे दिखना छोड़ करके, मानो तड़ित छपाए, मानो उन पर बिजली दिखाई दे रही हो या बिजली छा गई हो, यानि उनके शरीर पर जो पीले कपड़े माता कौशल्या ने ओढ़ाए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीले बादलों पर तारे दिखना छोड़ करके बिजली दिखाई दे रही हो, बिजली छप गई हो। आगे हैं, इसमें भी मनोशब्द हैं, संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंग अंग पर मार निकर मिली छवि समूह ले ले जनु छाए, यानि उनके अंग अंग पर मानो मार निकर यानि समूह, मार यानि कामदेव, कामदेव का समूह, यानि एक कामदेव नहीं कई सारे कामदेव मिलकर के, मिली यानि मिलकर के, छवि समूह ले ले जनु छाए, छा गए हों, राम के एक एक अंग पर मानो कामदेव के कई सारे कामदेव मिलकर छा गए हों, यानि उनके अंग इतने सुंदर हैं कि कामदेव सुंदरता में जगत प्रसिद्ध हैं, लेकिन राम के अंग अंग ही इतने सुंदर हैं कि एक कामदेव नहीं कई सारे कामदेव उनके एक अंग पर भी न्योछावर हैं। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहो जो विधि हो ही बनाए, रघुनाथ के रूप और गुण तो कहो जो विधि, विधि यानी विधाता ने हो ही बनाए, बनाया हो, अर्थात तुलसीदास कह रहे हैं कि राम के रघुनाथ यानी राम के रूप, उनके रूप और उनके गुणों का वर्णन तो मैं तब करूं जब
विधि हो ही, जब विधाता ने उनको बनाया हो, यानी विधाता ने उनके रूप और गुणों के समान किसी चीज को बनाया हो, तो मैं उससे उसकी उनके अंगों की उपमा दूं, या उनके रूप की उनके गुणों की उपमा देने के लिए विधाता ने ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में बनाई ही नहीं। तो इस प्रकार इस पूरे पद में बालक राम के एक एक अंग का सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास ने किया है, और पूरे अवतरण में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। उत्प्रेक्षा के अलावा उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग भी है। धन्यवाद।